गुड मॉर्निंग जेके न्यूज नेटवर्क के मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। राज्य में शुक्रवार को कोरोना से 1982 लोग स्वस्थ हुए हैं, जबकि 687 नए संक्रमित सामने आए हैं, जबकि 19 लोगों की मौत हो गई। 27 मई को 1768 स्वस्थ हुए और 695 नए केस सामने आए थे, जबकि 16 संक्रमितों की मौत हुई थी। इस तरह देखें तो शुक्रवार को स्वस्थ 214 लोग ज्यादा हुए थे, वहीं संक्रमितों की संख्या में 8 की कमी हुई है। शुक्रवार को रांची में 8, पूर्वी सिंहभूम में 3, देवघर में व सिमडेगा में 2-2, बोगारो, हजारीबाग, खूंटी व पलामू में 1-1 लोगों की मौत हुई है। झारखंड में कोरोना के गंभीर मरीजों को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की दवा 2-deoxy-D-glucose यानी 2DG देने से पहले उसका आकलन किया जाएगा। रिम्स के डॉक्टरों की टीम पायलट स्टडी के तहत पहले कुछ गंभीर मरीजों पर का इस्तेमाल करेगी। उक्त मरीजों पर दवा कारगर साबित होने पर इसे राज्य के अन्य मरीजों पर इस्तेमाल किया जाएगा। पायलट स्टडी के तहत 20 से 25 गंभीर मरीजों पर इसका इस्तेमाल करने की तैयारी चल रही है। वहीं राज्य में ब्लैक फंगस से एक और मरीज की मौत हो गई। राज्य में अब तक ब्लैक फंगस से 10 मरीजों की मौत हो चुकी है। इस समय राज्य में 28 कंफर्म मरीज हैं, जबकि 39 संदिग्ध। इस समय ब्लैक फंगस के राज्यभर में कुल 67 मामले सामने आए हैं, 8 मरीज स्वस्थ हो भी चुके हैं। यह जानकारी स्वास्थ्य विभाग के IEEC के नोडल पदाधिकारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने दी है। रिम्स में 303 बेड के शिशु ICU की तैयारी में रिम्स प्रबंधन जुट गया है, जिससे संभावित तीसरी लहर की तैयारी पहले से ही कर ली जाए। इसके लिए रिम्स के मल्टी स्टोरेज पार्किंग को पीडियाट्रिक ICU में तब्दील करने का कार्य शुरू हो गया है। ICU के संचालन में उपयोग होने वाले उपकरणों का लिस्ट NHM को भेजा जाएगा। सूत्रों की माने तो रिम्स प्रबंधन ने कुछ उपकरणों के लिस्ट तैयार कर NHM को भेज दिया है। उम्मीद है कि जून के दूसरे सप्ताह तक रिम्स को सभी उपकरण उपलब्ध हो जाएंगे। इधर पीडियाट्रिक ICU को संचालित करने के लिए नर्स व पारा मेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षित भी किया जाएगा, जिसमें से आवश्यकता पड़ने प्रशिक्षित नर्स व पारा मेडिकल को वहां तैनात किया जा सके। कोविन पोर्टल पर झारखंड में कोविड वैक्सीनेशन में केंद्र द्वारा दिए गए वेस्टेज डाटा को गलत बताते हुए राज्य सरकार ने केंद्र साइट वाइज डाटा की सूची भेजी है। साथ ही कोविन पोर्टल पर डाटा में सुधार की अपील भी की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव विकास शील को 27 मई को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि 27 मई तक कोविन पोर्टल पर झारखंड में समेकित वेस्टेज को 38.45% प्रदर्शित किया जा रहा है। राज्य स्तर पर समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि कुछ वैक्सीनेटर द्वारा कोविन पोर्टल पर डाटा एंट्री के क्रम में की गई मानवीय भूल या टंकन भूल तथा कोविन सॉफ्टवेयर पर वेस्टेज कैलकुलेशन में कुछ जटिलताओं के कारण राज्य की कोविड 19 वेस्टेज वास्तविक स्थिति से काफी अधिक दिख रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर टाटा स्टील ने CSR के तहत संयुक्त अरब अमीरात से 3000 ऑक्सीजन सिलेंडर आयात किया है। यह राज्य में संक्रमण के संकट के निपटने के प्रयास में सहायता के लिए काम आएंगे। इसके अलावा राज्य सरकार एक सप्ताह में और 2000 सिलेंडर UAE से मंगवा रही है। सभी 5000 सिलेंडर को जरूरतमंदों के उपयोग के लिए निम्न अस्पतालों को सौंपा जाएगा। झारखंड के कुछ जिलों में 18 प्लस के टीकाकरण पर फिलहाल विराम लग गया है, क्योंकि कुछ जिलों में टीका का स्टॉक नील हो गया। शुक्रवार को चतरा, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, रामगढ़ व सरायकेला में टीका का स्टॉक खत्म हो गया। टीकाकरण के राज्य नोडल पदाधिकारी ए डोडे ने प्रेस वार्ता में बताया कि कई जिलों में 18 प्लस के लिए टीका खत्म हो चुका है। इस समय पूरे राज्य में 18 प्लस के लिए केवल 80,000 टीके का डोज ही शेष है। अगले माह 5,00,000 टीका मिलेगा, तब इसकी शुरुआत हो सकेगी। विशेष चलन टीकाकरण अभियान की शुरुआत शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जवाहर नगर क्लब परिसर से की। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर 2 कोविड-19 सुरक्षा वाहनों को रवाना किया है। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि राज्य के लिए आज का दिन मील का पत्थर साबित होगा। अब जन जन के द्वार तक पहुंचकर वैक्सीनेशन किया जा सकेगा। कोविड-19 के विरुद्ध यह संक्रांत है। जैसे जैसे सरकार को वैक्सीन प्राप्त हो रही है, वैसे वैसे टीकाकरण कार्य में तेजी लाई जा रही है। टीका के लिए कंट्रोल रूम नंबर 7546028221 पर कॉल करें। नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 7546028221।
कोरोना सुरक्षा वाहनों द्वारा टीका लेने के लिए कंट्रोल रूम पर इस नंबर पर आपको कॉल करना होगा। इसका लाभ लेने के लिए किसी भी स्थान पर 20 लोग होने आवश्यक हैं। 20 लोग होने पर मोबाइल वैक्सीनेशन स्पॉट टीम पर पहुंचकर लोगों को टीका लगाएगी। मोबाइल वैन के माध्यम से हर उम्र के लोगों को टीका दिया जाएगा। इस दौरान ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होगी। 90 वर्षों के दौरान राज्य के ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में पुल ढहने के मामले सामने आए हैं। पुलों का निर्माण ऐसा हुआ कि वह पानी का तेज बहाव भी नहीं सह सका और क्षतिग्रस्त हो गया। कहीं कहीं तो तेज पानी के बहाव में पुल का पिलर ही पूरी तरह बह गया। कई जगहों पर पुल धस गया। धनबाद के बराकर नदी के पुल का तो 5-6 पिलर ही क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं गुरुवार को रांची के बुंडू इलाके में कांची नदी पर 3 साल पहले बना पुल भी धस गया। यहाँ यह सब पुल की निर्माण की घटिया गुणवत्ता को उजागर करता है। इंजीनियरों और ठेकेदारों के गठजोड़ के कारण घटिया पुल बने, इसका नुकसान सरकार और हम लोगों को होता रहा है। सरकार का करोड़ों रुपया पानी में बह गया। ये सारे पुल ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना से बने थे। विधानसभा का नया भवन 2 दिनों की भारी बारिश नहीं झेल पाया। पहले तल्ले के वेस्ट विंग के कॉरिडोर की फॉल सीलिंग शुक्रवार की रात गिर गई। सामान्य दिनों की तरह कार्यालय चलता तो बड़ी घटना हो सकती थी। वेस्ट विंग में विधानसभा सचिव के कक्ष के समीप यह घटना हुई है। विधानसभा सचिव के कार्यालय का कक्ष के साथ साथ यहां कई अधिकारियों का कक्ष है। इधर विधानसभा ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। विधानसभा के सचिव महेंद्र प्रसाद ने भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखकर सीलिंग की मरम्मत कराने के साथ साथ पूरे भवन में जल जमाव और फॉल सीलिंग की स्थिति का जायजा लेने का आग्रह किया है। विधानसभा के नए भवन में कई जगहों पर पानी का सीपेज है। रखरखाव के अभाव में भवन के कई हिस्से जर्जर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के यास प्रभावित इलाकों का दौरा किया। तूफान से हुए नुकसान की समीक्षा के बाद उन्होंने दोनों राज्यों के साथ झारखंड के कुल 1,000 करोड़ रुपए को आर्थिक मदद का ऐलान किया है। इस चक्रवात से देश के विभिन्न हिस्सों में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की मुआवजे की घोषणा की है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि नरेंद्र मोदी ने फौरी राहत गतिविधियों के लिए केंद्र की ओर से 1,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। ओडिशा को 500 करोड़ रुपए तुरंत दिए जाएंगे, बाकी 500 करोड़ रुपए पश्चिम बंगाल और झारखंड को उन्हें हुए नुकसान के आधार पर जारी किए जाएंगे। भारत सरकार ने गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे उन गैर मुस्लिमों के लिए नागरिकता के आवेदन मंगाए हैं जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हैं। इन्हें नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत नागरिकता दी जाएगी। हालांकि इसके लिए नियमावली बनाना अभी बाकी है। डोमिनिका की एक अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को अगले आदेश तक इस कैरेबियाई देश से कहीं और भेजने पर रोक लगा दी है। अदालत ने अगली सुनवाई स्थानीय समय अनुसार शुक्रवार की सुबह तय की है। घरेलू हवाई यात्रा महंगी होने जा रही है। सरकार ने हवाई किराए की निचली सीमा में 13-16% वृद्धि की है। नागर विमानन मंत्रालय ने बताया कि यह वृद्धि 1 जून से प्रभाव में आ जाएगी। विमानन नियामक DGCA ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगाई गई को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 23 मार्च 2020 से ही नियमित उड़ानें निलंबित है। वर्ष 2021-22 के समग्र शिक्षा अभियान के बजट को लेकर शुक्रवार को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय व स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के अधिकारियों की ऑनलाइन बैठक हुई। बैठक में राज्य के बजट पर विचार किया गया। झारखंड शिक्षा परियोजना ने लगभग 3200 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया था। केंद्र ने 2154 करोड़ के बजट की सहमति दी है। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष दी जाने वाली राशि कम कर दी गई है। पिछले वर्ष लगभग 2400 करोड़ देने की सहमति दी गई थी। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में 246 करोड़ रुपए कम दिए गए हैं। आपदा रिस्पांस फंड के मद में केंद्र सरकार ने एडवांस के रूप में पहली किस्त के तौर पर झारखंड को 227.20 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं, जबकि बाकी के 215.20 करोड़ रुपए केंद्र से झारखंड को और मिलने वाले हैं। झारखंड में स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड का कुल बजट 605.6 करोड़ रुपए का है। इसमें राज्य सरकार की हिस्सेदारी 141.40 करोड़ की और केंद्र सरकार की 454.40 करोड़ की है। कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच को लेकर चीन पर दबाव बढ़ रहा है। वैज्ञानिक इस वैश्विक महामारी की जड़ों में जाने के लिए अधिक स्पष्टता की मांग कर रहे हैं। इधर भारत ने भी वुहान लैब से कोरोना के पनपने या जानवरों से फैलने पर से पर्दा उठाने को लेकर शुरू हुई कवायदों का समर्थन किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता
अरिंदम बागची ने शुक्रवार को कहा कि WHO द्वारा COVID-19 की उत्पत्ति के बारे में वैश्विक अध्ययन पहला महत्वपूर्ण कदम है। यह इस बारे में ठोस निष्कर्ष तक पहुंचने और आगे के आंकड़े जुटाने के लिए अगले चरण के अध्ययन की जरूरत को रेखांकित करता है। IMA उत्तराखंड ने बाबा रामदेव को बहस के लिए चुनौती दी है। शुक्रवार को IMA ने बाबा रामदेव से पूछा कि वो बताएं कि किन एलोपैथी अस्पतालों ने इलाज के दौरान पतंजलि की दवाएं दी हैं। IMA ने सार्वजनिक रूप से योग गुरु को बहस की चुनौती देते हुए दो पत्र बाबा रामदेव को भेजे हैं। एक पत्र में अस्पताल की सूची मांगी, इसमें कहा गया है कि बाबा रामदेव ने एक टीवी डिबेट में दावा किया है कि कई एलोपैथी अस्पतालों में पतंजलि की दवाओं से मरीज ठीक हुए हैं। IMA ने ऐसे अस्पतालों के नाम मांगे हैं और दूसरे पत्र में IMA ने बाबा रामदेव पतंजलि का एक पैनल तैयार कर ले, IMA का बहस करने को तैयार है, हर बिंदुओं पर जवाब दिया जाएगा, बाबा रामदेव ने जो 25 सवाल पूछे हैं उनका जवाब भी दिया जाएगा, IMA हर स्तर पर बहस करने को तैयार है। IMA ने पूछा कि बाबा रामदेव बताएं कि वो कब बहस करना चाहते हैं। अब हिंदी भाषा छात्र भी इंजीनियरिंग कर पाएंगे। हिंदी के साथ साथ अब मराठी, गुजराती, बंगाली समेत 8 क्षेत्रीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी। दरअसल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने कॉलेज के नए शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में हिंदी सहित 8 क्षेत्रीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की डिग्री देने की अनुमति दी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने शुक्रवार को कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच साउथहैम्पटन में होने वाला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल यदि ड्रॉ या ट्राई समाप्त होता है तो दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित कर दिया जाएगा। विश्व क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था ने इस मैच के लिए जो नियमावली जारी की है उसके अनुसार मैच टाई या ड्रॉ होने पर दोनों टीम संयुक्त रूप से विजेता मानी जाएगी। किदांबी श्रीकांत और साइना नेहवाल के लिए टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने की उम्मीद खत्म हो गई है, क्योंकि खेल के विश्व बैडमिंटन महासंघ ने शुक्रवार को स्पष्ट कर दिया कि क्वालिफिकेशन अवधि के अंदर कोई और टूर्नामेंट नहीं होगा और मौजूदा रैंकिंग सूची में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। विश्व के पूर्व नंबर एक खिलाड़ी श्रीकांत और लंदन खेलो 2012 में ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साइना को उम्मीदें लगभग उसी वक्त टूट गई जब COVID-19 महामारी के कारण सिंगापुर में होने वाले ओलंपिक क्वालिफायर के आखिरी टूर्नामेंट को रद्द कर दिया था। याक तूफान के झारखंड से जाते ही शुक्रवार को राजधानी के मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है। सुबह में हल्के बादल छाए रहे तो दोपहर आते आते धूप निकल गई। वहीं शाम में आसमान का रंग गुलाबी हो गया। दूसरी ओर राजधानी का तापमान 6 डिग्री और जमशेदपुर का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस चढ़ गया। शुक्रवार को राज्य में एक दो स्थानों को छोड़ कहीं बारिश नहीं हुई। 3 दिनों तक राज्य में याक से बने विक्षोभ का असर रहा, इससे राजधानी का अधिकतम तापमान गिरकर 24 डिग्री सेल्सियस आ गया था। राज्य के करीब करीब सभी जिलों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया था। रांची में प्रदूषण का मानक एक दिन में ही खराब हो गया। सैटेलाइट से प्राप्त विभिन्न एजेंसियों के आंकड़ों के मुताबिक याक तूफान के कारण 3 दिन तक लगातार बारिश होने से राजधानी का मौसम और एयर क्वालिटी बेहतर रहा। गुरुवार शाम 5 बजे राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 के आसपास था, जो शुक्रवार शाम 5 बजे बढ़कर 121 हो गया और इसे खराब कहा जाता है। अभी के लिए मॉर्निंग न्यूज में इतना ही। जेके न्यूज नेटवर्क आपसे हमेशा की तरह यही अपील करता है कि घरों पर रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें और वैक्सीनेशन से जुड़ी अफवाहों पर ध्यान ना देकर वैक्सीन जरूर लगवाएं। आप सभी का दिन शुभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।